एक ओर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े बड़े दावे करती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को सही समय तथा सही तरीके से दी जा रही हैं, लेकिन यह कहने से मना नहीं किया जा सकता कि झांसी का सिविल अस्पताल सरकार के सपने को पलीता लगाने में लगा हुआ है। जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, यदि मरीजों की माने तो अस्पताल स्टाफ तथा डॉक्टरों का मरीजों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। साथ ही डॉक्टर समय पर ओपीडी में उपस्थित नहीं होते हैं और घंटों मरीजों को इंतजार के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। साथ ही यह हालत भी महिला जिला चिकित्सालय में व्याप्त है, जहाँ पर महिला मरीजों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मरीजों के पर्चे बनवाने के नाम पर भी अधिक रुपए लिए जाते हैं। वहीं लाइन में लगे मरीजों ने बताया कि अस्पताल कर्मचारी के द्वारा पर्चा बनवाने के नाम पर कहीं 5 रुपए तो कहीं 10 रुपए तक लिए जाते हैं, जबकि सरकारी पर्चा बनवाने की फीस केवल 1 रुपए है। अब इसे सिविल अस्पताल कर्मचारी द्वारा मरीजों से अवैध वसूली कहना गलत होगा क्या? बात यही नहीं रुकती। दिखाने आए मरीजों का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा भी बाजार की दवाइयां लिखी जाती हैं, जिससे आए दिन मरीजों के साथ झगड़ा होता है। वहीं मरीज के विरोध करने पर सिविल अस्पताल का स्टाफ मरीजों के साथ गुंडागर्दी पर उतारू हो जाता है, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर डॉक्टर तथा स्टाफ की मनमानी झेलनी पड़ती है। पर्चा बनवाया, कितने पैसे दिए आपने? हमने 5 का दिया, पूरे रख लिए। 5 रुपए कितने पैसे दिए थे आपने? हमने 5 का दिया, 5 का सिक्का, 5 पूरे रख लिए। और पर्ची का रेट क्या है? 1 रुपए। 1 रुपए, ठीक। झांसी से यूडी न्यूज के लिए सत्येंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।